एंगुलर मोमेंटम को कैलकुलेट करने का दूसरा एक और तरीका है। पहला तरीका क्या था, आर क्रॉस पी, डन कर लिया हमने इसके ऊपर काम। दूसरा तरीका है आई इंटू ओमेगा, और इसको मैंने बताया था, आप इसको मन में ऐसे बोल सकते हो कि लीनियर मोमेंटम पी क्या होता है, एम इंटू वी, पी की जगह एल है, एम की जगह आई है, वी की जगह ओमेगा है, पर ये सही तरीका नहीं है बोलने का। तो इसलिए सबसे पहले क्या आएगा, इसका प्रूफ आएगा। वैसे मैं लिखा हुआ है लीनियर मोशन एंगुलर मोशन सेम, पर ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका ऐसा है, वो आएगा नहीं, प्रूफ पर आते नहीं है इसके, पर फिर भी बताने के लिए कि एक बॉडी है जो गोल घूम रही है विद ओमेगा, रोटेट कर रही है विद ओमेगा, इसके सारे पार्टिकल का ओमेगा सेम है, बहुत सारे पार्टिकल हैं इसमें m1 m2 m3 अप टू mn, और जिनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सिस से r1 r2 r3 अप टू rn है। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी है v1 इज इक्वल टू r1 इनटू ओमेगा, v2 इज r2 इनटू ओमेगा, v3 r3 इनटू ओमेगा एंड सो ऑन। अब इसका लीनियर मोमेंटम क्या होगा, m1 v1, तो एंगुलर इसका लीनियर मोमेंटम m1 इनटू v1 है, और v1 क्या है, r1 ओमेगा, और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, m1 v1 लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना, r1 r1 इनटू p1, p1 की वैल्यू पुट कर दो, l1 आ गया, ऐसी l2 आ गया, ऐसी आखिरी पार्टिकल का l आ गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम सबको ऐड कर दो, ओमेगा बाहर आ गया, तो ये सब क्या है, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया i, तो i इनटू ओमेगा इज एंगुलर मोमेंटम प्रूफ हो गया। आता नहीं है बट आपको बता दिया मैंने कि किस तरीके से प्रूफ किया जाता है। हमने तो एक मिनट में कर ही लिया यार, हमने तो कर ही लिया कि हमें तो पता ही है फॉर्मूला, हमें कोई नई चीज़ थोड़ी ना हमारे लिए पाई है, ठीक।